पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। सीबीआई इस केस का गहनता से जांच कर रही है और इसका जो है ड्रग एंगल से भी इस केस को जोड़ के देखा गया, जिसमें तमाम जो सबूत है वो मिले हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या या हत्या, इस दोनों में असमंजस बना हुआ था, इसकी गुत्थी सुलझ गई है। दरअसल इसे आत्महत्या करार दे दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है बल्कि आत्महत्या उन्होंने किया था। दरअसल इस मामले में एम्स डॉक्टरों के पैनल ने आत्महत्या और हत्या की थ्योरी को सुलझा लिया है। एम्स पैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। एम्स पैनल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या उन्होंने की है। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के बाद एम्स की टीम ने इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मर्डर की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या का मामला है। बता दें कि एम्स के डॉक्टरों ने 29 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। एम्स के डॉक्टरों की यह टीम अपना काम कर चुकी है और अब सीबीआई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि उन्होंने आत्महत्या किया था। जी हाँ, उन्होंने सुइसाइड किया था, ना कि उनकी हत्या की गई थी। जिस तरह से परिवार द्वारा आरोप लगाया गया था कि वो आत्महत्या कर नहीं सकते, उनकी हत्या हुई है, इसमें तमाम तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा एम्स के डॉक्टरों ने किया है कि उन्होंने आत्महत्या किया था, ना कि उनकी हत्या हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे हमारी। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक लिए धन्यवाद।